সাই বল তোমাকে, হ্যাঁ সাই সাই বল, জলদি ওঠ, হ্যাঁ ওঠ, লম্বি চেয়ার দোঙা, হ্যাঁ বল, হ্যাঁ বল, ক্যা কর রা থা সিকন্দর কো মার দেনে কা থা, হ্যাঁ জলদি বলো তোর হরকত। शमशान से कब्रिस्तान से कहां से कब्रिस्तान 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 से वो हटाओ बीच में का हाँ कहां से आया था और सवाल जंगल में आया था हाँ जादू कहां से करे इसके कब्रिस्तान से शमशान से इसको क्या कर सकता था मार के लिख जाएगा इसको क्या नाम है सिकंदर कुमार के साथ मिल जाने का था साई बोल नहीं 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 जाने का था अच्छा शम इसको कब 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 मारने का था कैसा मेरा शूटिंग कैमरा में हाँ हाँ और थोड़ा जोर से बोल और थोड़ा दिन और थोड़ा दिन मारने का था इसको मारने का था तो फिर इसको कैसा लेके जाने का था इसको रेड करा के इसको साइड करा के कैसा मारने का घर में किरकिरे झगड़े पे लगा रहा आदमी घर में किरकिरे झगड़े पे लगा रहा और क्या कर रहा था और क्या कर रहा था मैं तो पूरा भस्म कर दूंगा जल्दी बोल हाँ और क्या तकलीफ था सिकंदर को हाँ बोल हाँ फिर बोल जोर से बोल जोर से आवाज लगा चीख मार दे जीती आवाज चीख मार पहले साई साई बोल हाँ साई साई बोल जल्दी उठ हाँ उठ लंबी चेयर दूंगा हाँ बोल हाँ बोल क्या कर रहा था सिकंदर को मार देने का था हाँ जल्दी बोलो तुम हरकत कर दूंगा वो हाँ क्या बोल रहा था तू बोल क्या आ रहा उसको हाँ जोर से बोल जोर से हाँ जोर से बोल कौन ही छोकरा आ रहा था सिकंदर हाँ हाँ कहाँ से आ रहा था इन्हें हाँ कहाँ से आ रहा था गांव से हाँ हाँ जोर से जल्दी बोल हाँ क्या तूने देवड़ा गांव का हाँ मेरी चोट पकड़ा हाँ क्या खा के जा रहा था वहां से जब वो सिकंदर क्या खा के जा रहा था वहां से खाना खा के जा रहा था उधर से जंगल में से वहां मेरे को महसूस हुआ मेरे छाती में आंगार पड़ी वहां से निकल गया जब से डर मेरे सीने में पड़ रहा था उसे अच्छा और सिकंदर को कैसा मारने का था एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के कैसा बीमारी पे डालने वाला था अच्छा ऐसा ही मारने वाला था हाँ कमाई धमक क्या करा उसके जोर से बोल कमाई धमक सब बर्बाद कर दिया घर में किरकिरा लगा रहा था जोर से बोल लगा रहा था और क्या तकलीफ दे रहा था और जल्दी बोल जल्दी बोल और घर में से किस किस को मारने का था बहनों को भाइयों को माँ को बाप को किसको न
नहीं, उसको मारने का था। अच्छा, इसको सिकंदर को ले जाने का है। हाँ तो ये सिकंदर को कौन से टाइम में ले जाने का, अमास में पूनम में? अभी तक डिसाइड नहीं करा था, मौका देख गोलिया दवा पे चालू था उसको। अच्छा, अरे जादू कौन करा था उसका नाम मत बोल, अभी मैं नाम नहीं पूछा। नहीं, खाली कौन थे वो, इसके रिश्तेदार थे क्या, दोस्ता थे क्या, माँ बाप के खानदान के थे क्या, ससुराल के खानदान के थे, किधर के थे? घुसा सही है, मगर जादू कौन करा वो? अच्छा, तुझे अभी याद नहीं है कौन करे तो? नाम नहीं पूछा मुझे, खाली इतना पूछा ना तो अभी तेरे हाथ कतर दूंगा दोनों तेज के साथ में। जल्दी बता, कौन थे वो, इसके माँ के खानदान के थे, बाप के थे क्या, ससुराल के तरफ के थे क्या, दोस्ताने के लोग थे जिन्होंने जादू करे? तो जादू करे इसके ऊपर तो औरत थी कि आदमी था वो? दोस्ताने के लोग। जोर से बोल, दोस्ताने के लोग। हाँ, दोस्ताने के लोग। उसके गांव के है, दूसरे गांव के? अच्छा, इसका कपड़ा चप्पल मट्टी कुछ लिए थे, बाल बाल मालूम नहीं। चल सब याद करके आ दूसरी चक्कर तक, गौर से सुन, कौन डाले, कहाँ से आया, क्यों आया, कब इसको मारने वाला था, सारे बात सब याद करके आना दूसरी चक्कर तक, और जब बयान करना नहीं तो तुझको चीर के दो टुकड़े करके भट्टा आन दूंगा, समझ गया? तोबा तोबा कर, चल दोनों हाथ उठा मुंह पे मार, और जोर से अल्टा के तोबा कर, चीख मार के, अल्लाह तोबा तोबा बोल, तोबा तोबा अल्टा के, तोबा तोबा जोर से, तोबा तोबा, अबे जोर से बोलना तो चीर दूंगा अभी, तोबा तोबा, जोर से, तोबा तोबा, और जोर से, जोर से, तोबा, गाटू तेरे हाथ जलो, देखता लगा पूरी ताकत लगा तोबा करने में, कमीने लोगों को परेशान कर रहा, अभी तक कितने जनों को मारा, कितने लोगों को मारा, पहला शिकार था ये, हाँ तू मारा था जब हिंदू का था, मुसलमान का था, हाँ जल्दी बोल, हाँ बोल, क्या रहा से खिला, हाँ बोल, हाँ बोल, कौन था तुम्हारा, तो हिंदू का था, मुसलमान का था, क्रिश्चियन का था, क्रिश्चियन का था, मर के कितने साल हो रहे तुझे, 10-15 साल हो रहे थे, कैसा मरा था, बीमार होके एक्सीडेंट पे, कैसा मरा था, दारू पी के मरा था, अरे दारू पी के मरा, दूसरों को भी मार रहा, मारे अभी तो कितने लोगों को मारा, ये पहला छे, क्या नाम था तेरा मरने से पहले, नाम नहीं, नाम नहीं, क्या नाम था, क्या नाम था, जल्दी बोल, चल तोबा कर, हल्टा के तोबा कर, जल्दी अल्लाह, तोबा कर, अल्लाह, चीख मार कर, अल्लाह, और जल्दी जोर से, चल हक नाला है, कब जाके सब याद कर गया, चलो उसको बन के डालो, ये छोकरे को कहीं मिला खिलाए थे सिकंदर को, जादू करे जब क्या था, तारी बिरयानी चावल रोटी सालन क्या, कहीं में खिलाए कहीं में पिलाए, उसका सामना था, कई का गोश्त था, बड़े का, चल हाँ निकल अब जाकर सब याद करके ले जाओ उसको, पकड़ के ना ला को, क्या हो रहे थे तुम्हारे मित्र, ये जो उधर जाना जरा, ये जो मसला है, ये इसको खुद बहुत लग्याला नहीं है, इसको खिला के करके तंत्र मंत्र की क्रिया से कई का सालन बोलाऊ उसने, वो मैं तो बयान नहीं करा, मेरी जबानी जो भी है, देखो अल्लाह के कलाम की ताकत, वो बला ने सब सामने बयान करी, और वो उसकी जान वान कुछ लेने वाला है वो खुद बयान कर रहा, टाइम उसका करीब आगा, और दूसरी बात कौन करे थे, दोस्त आबा वो जो भी है, इंशाल्लाह वो आने वाले अगले राउंड तक उसके ही जबानी उसका नाम सामने निकाल के बता देंगे, कौन डाले थे, क्या डालते, यहाँ अगर नाम नहीं निकला तो कहाँ निकलेगा फिर, और दूसरी बात कितने बार आए यहाँ पे तुम, जोर से बोलो, पहली बार आए, कितने लाख रुपए दिए अभी हाजिर करने के, 5 लाख 10 लाख कुछ तो दिए होंगे, किसको, ये अभी अंदर लाए हैं, इनका हाजिर कराए, सवाल जवाब करे, सवाल जवाब करने के, हाजिर करने के कितने लाख दिए मुझे, 10 लाख 5 लाख, कुछ नहीं, जोर से बोलो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं 2-4 लाख तो दिए होंगे, नहीं नहीं, 2 लाख तो दिए होंगे, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दिए, नहीं, और कितने बार में हाजिर हुआ यहाँ पर आने के बाद में, पहले के में, फर्स्ट टाइम में हाजिर हुआ, ठीक है, और घर पे क्या तकलीफ होती थी पेशेंट को, बहुत तकलीफ हो रही, क्या होती थी, और दूसरी बात के इसके आंग पे हाजिर हुआ था क्या घर में कभी, सवाल जवाब हुए क्या, नहीं, इलाजों की जगह लेके, दुआ पानियों को लेके, दरगाहों पे लेके, तो कोई हाजिर हुआ था क्या,
ऐसा सवाल जवाब हुए नहीं 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 सबके बस की बात नहीं है। पहली बार भी तुम्हारे सामने लाके बता दिया हाजिर कर अल्लाह के हुक्म से। चल रखे हमारे इधर ले, ये जो दास्तान है इनकी जबानी पूछा दिया हमने, सुन लिया ना, पहली बार आए, पहली बार में ही हाजिर होगा, और इससे पहले उनका कहीं पर भी हाजिर नहीं हुआ। पेशेंट सिर्फ वो जो लड़का है, सिर्फ दारू 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 नशे के अंदर उसको डुबा दिया, सिर्फ नशा करता था, बराबर नशा करता था। क्यों करता था? ये लोग तो समझ रहे उन्हें नशा कर रहा हूँ, इन्हों उसको नशे से सब छुड़ाने की कोशिश कर रहे, उन्हें भी छोड़ना चाह रहा मगर चाह के भी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि अंदर बैठेली बला पी रहे पिला रही थी उसको, वो जाके पी रहा था। सुने ना वो कौन था, उन्होंने बयान करा ना उसके अंदर, वो पी के मरा था, पी पी के मरा था, और कौन से जात का था, क्या है, एक्स वाई जेड, उसमें है रिकॉर्डिंग में, सुन लो। तो जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, क्योंकि ये बलाएं हैं, ये वबाएं हैं, ये आफतें हैं, इसलिए तो अल्लाह से पनाह मांगो। ये सब चीजों की तुम अल्लाह से पनाह मांगिए तो अल्लाह तुमको अगर ये सब वबाओं से बलाओं से महफूज रखेगा तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेंगी, वरना तुम्हारी आखिरत और सब बर्बाद हो जाती। क्यों बर्बाद हो जाती? ये तुमको शिर्क भी कराता ले जाके, शिर्क बोले तो मुसलमानों का नहीं इलाज नहीं हो रहा, चलो चलो वहां आ जाएंगे, दरगाहों पर नहीं हो रहा, अल्लाह वालों के पास में नहीं हो रहा, तो ये अल्लाह वालों की राह, ये अल्लाह वालों की राह है, और अल्लाह वालों की राह तुम भटक के चले जाएंगे, अहदना सिरातल मुस्तकीम की राह छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर तुम्हारे इन जादूगरों के पास में, शैतान वालों के पास में, पुजारियों के पास मिल जाता, बुत परस्ती वालों के पास में, तुम्हारा ईमान खत्म, डगमगा नहीं गया, खत्म हो गया, क्योंकि तुमने शिर्क कर दिए। क्योंकि अल्लाह के, अल्लाह की शान ऐसी कि अल्लाह ने हर चीज को, अल्लाह ने पैदा किया हर चीज पे, अल्लाह कादिर, यहाँ तक के जादू टोने को भी अल्लाह ने पैदा किया, ठीक है, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया, हर चीज पे अल्लाह काबिज है, और हर चीज पे अल्लाह की हुकूमत चलती। तुम अल्लाह से मांगो तो सही लोगो, तुम अपनी जबान में तासीरा तो पैदा करो कि जो अल्लाह तुम्हारी सुनेगा। तुम्हारी जबान से 24 घंटे गालियां निकल रहे, गाने निकल रहे, चुगलियां निकल रहे, तुम्हारी जबान चुगलियों में मुबतला है, तुम्हारी जबान गालियां देने में मसरूफ है, तुम्हारी जबान दुनियादारी के किस्सों में मशगूल है, कैसा डुबाना, कैसा अय्यारी करना, कैसा मक्कारी करना दिल दिमाग और जबान, तो फिर कहां से तुमको फैज खुद तुम्हारे जबान से निकलेगा, कहां से उसकी कलाम पढ़ने के बाद तुम्हारे को फैज मिलेगा। तुम ऐसी जबान बनाओ, नेक बनो, नेक राह पर चलो, सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलो, तो फिर देखो तुम्हारे जबान से अल्लाह कैसे तासीर और कैसे मौजज़ात जाहिर करता। वो उसने जो इनामात के वादे रखा, वो सारे इनामात से तुम्हारे को लुत्फानंदाज कर देता, दुनिया में भी तुम्हारे नवाज देता, आखिरत में भी तुम्हारे नवाज देता। ना मांगे सीख तो दर दर मांगे भीख, मैं बार बार यही बोलता। क्यों लोगो, क्या तुम्हारे को 5 वक्त की नमाज पढ़ना नहीं हो रहा? तुम फजर की नमाज पढ़ो, जब तुम फजर की नमाज पढ़ेंगे 2-3 दिन उठ के कंटिन्यू, तो 5वें दिन या 4थे दिन तुम्हारा दिल खुद, तुम्हारी रूहानी खुद तुम्हारा उठा के बिठा देती, और बोलती नहीं 4 दिन से हम कंटिन्यू पढ़े, चलो आज भी नमाज पढ़ेंगे, आज क्यों कजा करेंगे। बोलते तुम्हारा आदत तो लगाओ खुद को, जैसा लत लगती, जैसा तुमको पूरी गोना खाने के लिए, खाना खाने के बाद चाय की लत वाले को चाय होना पीने के लिए, जिसको भी जिस चीज की लत लगा उसको वो चीज होना जरूरी, उसकी बॉडी ऐसा मंगती लाल नशे के इसमें मुबतला है, तो कोई भी नशा, कोई भी चीज की लत, चाय पीने की, पूड़ी खाने की, सिगरेट पीने की, एक्स वाई जेड, दारू पीने की, गांजा पीने की, लेके जाती खींचते हुए लत, तो वैसे तुम लत अल्लाह की इबादत की लत पैदा करो अपने अंदर, इबादत की लत, कि तुम नमाज नहीं पढ़ते तुम्हारी रूहानी ऐसी बेचैन हो जाना, जैसा गंजेटी की बेचैन हो जाती गांजा पीने, जैसा जुआरी की जुआ खेलने के लिए बेचैन हो जाती, जैसा चाय पीने वाली की चाय पीने के लिए बेचैन होती, सिगरेट पीने वाली की सिगरेट पीने के लिए बेचैन होती, वैसा तुम इबादत की राह को ऐसा थामो कि तुम नमाजी, तुम्हारी नमाज अगर कजा होने लगी तो तुम्हारी रूह इसी कांप जाए, तुम्हारा दिल दिमाग सब सब बेचैन हो जाए, पूरा शरीर हिल जाए कि नहीं मुझे अभी सजदा करना ही अल्लाह के सामने, मेरा टाइम होगा सजदा करने का, नमाज पढ़ने का, और रोड पे तुम्हारा जगह नहीं मिली, तुम जानिमाज बिछा के वहां जंगल में है, पहाड़ में है, कहां पे भी है तुम, तो वहां तुम अल्लाह के हाथ नमाज अदा करना, सजदे करना, ऐसी तलब पैदा करो जैसी ये सब चीजों की तलब जुआरियों को बता ना बदमाश लोगों को रहती, वैसी तुमको इबादत की तलब रहना। इल्लल्लाह का जाम नजर से पिला दिया मुझे गुनाहगार को, क्या है वो सब है ना शेर, तो उसका मतलब क्या है, इल्लल्लाह का जाम नजर से पिला, तो उसका मतलब ये है कि इबादत में तुम इतने मशगूल हो गए, जैसा कि दारू पीने वाला नशे के जाम में जाम लेके पीकर मदहोश हो जाता, वैसा तुम इबादत में मदहोश हो जाओ, तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब बन गई। इबादत की लत और इबादत का नशा अपने ऊपर तारी कराओ तो तुम महफूज रहेंगे, और तुम्हारा घराना भी महफूज रहेगा, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी आखिरत सब सवर जाएंगी और संभल जाएंगी। वलना जिन्नात शैतान बदमाश बदरू हैं, खबीस हैं, चुड़ैल बहुत, हजारों किस्म के बलाएं, हजारों किस्म के अमलियात है, उसमें से कोई भी वार चलगा तो फिर तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होती। तौबा जो ना मांगे सीख वो दर मांगे भीख, जादू टोना, अमल अमलियात, ये सब चीजों को, तिलस्मात की दुनिया, ये
चीजों को नहीं गिनती उन्हें, तुम बड़े ऑफिसर है, तुम बड़े आसमान से उतरे, तुम तुकड़ा लगा के आए, तुम बड़े राजा है, तुम पर तुम ये है एक्स वाई जेड, तुम कुछ भी रहो, उनको फर्क नहीं पड़ता बला, उनको बरबर घुसते बरबर मारते जैसा मारना पड़ता, कि बहुत सारे राज है, बहुत सारी बातें, तुम क्या समझ रहे, तुम क्या समझ रहे कि तुमको अल्लाह वालों के दर पे जाने का मौका नहीं मिला, तो तुम ऐसा समझ रहे कि हम गए नहीं, हम चाह कर नहीं गए, अरे अकल के अंधे, तुझे वहां जाने की हिदायत नहीं मिली अल्लाह के तरफ से, तुझे अल्लाह ने नवाज, तुझे उस जो अपने बंदे के हाथ से फैज पहुंचा रहा वहां तक तुझे अल्लाह ने पहुंचने नहीं दिया, और पहुंच कर भी तुझे रिटर्न कर देता अगर तुझे वहां फैज नहीं देना रहा अल्लाह को, तो इसलिए अल्लाह के वलियों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना, अगर जरा भी दिल के अंदर तिल बराबर भी बोझ रखते, अल्लाह फरमा रहा हदीस कुद्दूसी के अंदर, मेरे वलियों को अगर बुरा बोले तो अल्लाह से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बता कहां गई तेरी इबादत, कहां गए तेरे सजदे, कहां गई तेरी आलिमियत, कहां गई तेरी हाफिजियत, कहां गई तेरी बुखारियत, सब रद्द हो गई, सब मार दिए, तेरे मुंह पे उठा के फेंक दिए, अल्लाह के वलियों से अगर तू बुग्ज रखता अपने दिल में, तू कितना बड़ा भी आलिम हो जा, तू कितना बड़ा भी हाफिज हो जा, तू कितना बड़ा भी खारी हो जा इंसान, तू अगर अल्लाह के वलियों से, अल्लाह खुद फरमाता, अल्लाह खुद फरमाता मैं इतनी मोहब्बत करता मेरे वलियों से कि अगर तिल बराबर भी बुग्ज बुग्ज बोले तो तुम्हें वलियों को बुरा भी नहीं बोला, अभी तेरे दिल और दिमाग के अंदर खाली ख्याल लाया कि वो ऐसे हो सकते बुरे हो सकते, खत्म तेरी गई पूरी इबादत, सब रद्द हो गई और तू अल्लाह का दुश्मन बन गया और अल्लाह तेरे जंग का ऐलान कर देता बोला, ये मैंने फरमा रहा, ये तेरा रब फरमा रहा, ये सबका रब फरमा रहा, जो सारी कायनात की जिसने रचना रचा, सातों जमीन और आसमान की जिसने रचना रचा, हर गैलेक्सियों का जो मालिक है, हर चीज का रब्बुल आलमीन रब्बुल काबा, वो फरमाता, क्या फरमाता कि तू अगर क्या मेरे वलियों से बुग्ज रखा तो फिर तुझे बहुत जंग का अल्लाह खुले आम जंग का ऐलान करता, जंग करने के लिए तैयार करते, फिर तेरा बहुत बुरा हाल करके अल्लाह सड़ा सड़ा के मार देता, देख फिरौन शद्दाद नमरूद हामान इन सब का क्या आलम हुआ इंसान। इसलिए मैं बार बार यही बातें बताता हूँ कि हदीस और कुरान के रस्ते को मजबूती से थामो। अब तुम वलियों का तो छोड़ दो, माज अल्लाह तुम नबी के शान में गुस्ताखियां करते बे, नबी के अकीदे को बदा तुमको मैं बयान नहीं कर सकता, तुमकी शान में गुस्ताखी हुई ना, तुम बदअकीदे बातें करेंगे, माज अल्लाह मर के मट्टी में मिले, अरे कौन बोला मर के मट्टी में मिल गए कमीनों, तुम्हारी जबान कट जाना, तुम्हारी यहूदियों का गुलामा है तुम, नालायक हो, तुम्हारे बाप ने पढ़ा के इस्लाम को बाल से बारीक सीख से पढ़ो समझ में आता, सूरह अल इमरान के अंदर अल्लाह फरमाता कि शहीद को मुर्दा मत कहो, शहीद जिंदा है, जब शहीद जिंदा रह सकता तो नबी को कहता तुम माज अल्लाह ना बोल सकते मुर्दा, ये कैसे तुम्हारे अकीदे होगा, ये तुम्हारे अकीदे नहीं है, ये तुम यहूदियों नसारा के जासूस है उम्मत को गुमराह करने को आए वाले, ये तारीख इस्लाम उठा के पढ़ो तो तुम्हारा समझ में आएगा कि यहूद नसारा के जासूस दलाला उनकी हरामजादी औलाद यहूद नसारा की कैसा भेज बन के कैसे झुब्बे चोले लेके आके तुम्हारा गुमराह करते, राहती सबीला के राह से हटाने की कोशिश करते। अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो, कुरान और हदीस को याद करो और कुरान पढ़ो तोते की रटो समझ के पढ़ो और हदीसों पे अमल करो पढ़कर कि कैसा खाना है, कैसा उठना है, कैसा चलना है, ये अपने जिंदगी में हदीस और कुरान को तुम ढाल लेंगे तो तुम सब वबाओं से बलाओं से जादू टोने से हर चीज से महफूज हो गए। और बड़े बड़े बात मत करो कि हम डरते नहीं जिन्नात से, हम डरते नहीं शैतान से, बेटा जिस दिन घुसेंगे ना घर में तो उस दिन तौबा कबूल लेंगे, जूते भी लेकर तू तौबा खराब तौबा कबूल मगर तुम्हारी फिर जबान भी हो ना, जब तुम पढ़े तो आग लग जाना उनको, वो सब बहुत सारे बातें हैं, इतनी बाल से बारीक राज है, मैं इसलिए बताता ही, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, जितने उलमा है जितने आलिमियत है ये शरीयत पे चलती, शरीयत तरीकत मारिफत सब अलग अलग रखा अल्लाह ने, और तुम बोलिए कि नहीं शरीयत दिया अल्लाह ने हम शरीयत पे चलेंगे, दबाओ तुमको शरीयत पे चलने का हुक्म दिया ना अल्लाह ने, वलायत को तरीकत और मारिफत अलग दिया गई है और कुरान में उसका जिक्र भी आ गया, पढ़ो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में खिज़्र अलैहिस्सलाम कौन थे कुरान में, पढ़ो आसिफ बिन बरखिया कौन थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ में, पढ़ेंगे समझ के तो पता चलेगा, बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बस इतना ही कहूँगा, जिक्र अस्कार की रस्सी कोई बात को मजबूती से थामो और दीन को मजबूत रखो अपनी ज़िंदगी के अंदर, ईमान को ताज़ा रखो तो तुम ये सब वबाओं से बलाओं से महफूज रह जाएंगे। कुल्लुन नफ्सुल साइखतुल मौत, हर जानदार से को मौत का मजा चखना है, मगर तुमको सड़ा के गला के मार देते जादू टोना कर दिए तो बहुत बुरा, और मरने के बाद भी तुम आपको चैन से नहीं सुन देते, उठा के काम लगाते, बहुत बातें हैं, बहुत राज है, क्या बोलूं मैं। कौन से आए थे, दौड़ से आए थे, ठीक है चलो रोको।